जर पर मुजफ्फरनगर में स्थित विकास भवन में उस समय हंगामा मच गया जब सैकड़ों की संख्या में पीआरडी जवानों ने आकर कार्यालय पर हंगामा खड़ा कर दिया। पीआरडी जवानों ने बताया कि हमारी 2014 में भर्ती हुई थी जिसमें हम पास हो गए थे और हमने ट्रेनिंग भी की थी, लेकिन हम लोगों को ना तो मानदे दिया जा रहा है और ना ही हमें कहीं पर ड्यूटी करने दिया जा रहा है, जबकि पीआरडी के डिपार्टमेंट में हमें हमारा बैच नंबर भी दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। समस्या मेरी ये है जी, सन 2014 में भर्ती आई थी पीआरडी जवानों की, उसमें मैं भर्ती हुआ था। भर्ती होने के बाद सन 2014 से मैं नौकरी कर रहा हूँ, थानों में भी कर रहा हूँ। 5-6 साल हो गए, 6 साल मुझे नौकरी करते हो गया है। नौकरी करते के बाद मैं कल यहाँ से 30 तारीख में अपने विभाग में आया। विभाग में आने के बाद मैंने जैसे कि कहा, मैडम जी मेरा नाम कहाँ है, तो मैडम जी क्या कहती है, मैडम जी कहती है 70,000 रुपये दिए हैं मुझे इन्होंने, और जो जब तुम्हारा नाम धरे जाएगा, और तुम्हारा नाम काट दिया गया, यहाँ धरवाते हो धरवा लो, जिस पर चाहते हो धरवाते हो। कौन मैडम थी, किसने बोला? सुधा मैडम थी, प्रमोद बाबूजी थे। कौन सी विभाग की है? पीआरडी जवान के जी। डीओ का भी नाम ले, नरेंद्र जी। इतने ऐसे लोग हैं पीआरडी जवान, कम से भी कम इन्होंने 200 जवान निकाल दिए गए हैं फर्जी, जिन पर सर्टिफिकेट ले रहे हैं जी, ट्रेनिंग कर रखी है उन्होंने, उनकी कोई खता नहीं है। जीडी में उनका नाम आ चुका, जिन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की, जो घर अपना ईंट खोद रहे हैं, ईंट खोदती पर उन्होंने पैसे देकर अपना जीडी में नाम धरवा दिया गया। मेरा नाम सोनू कुमार है। मेरी समस्या ये है कि 2014 में मैंने भर्ती की थी, जितने लड़के मेरे साथ में थे मैं एक एक लड़के को पहचान सकता हूँ, और अब जब फिलहाल के टाइम पर 2019 में हमारे डीओ ने पैसा लेकर 70,000 रुपये भर्ती कर लिए लड़कों को, 50 जनों को, और जितने लड़के 2014 के हैं वो लड़का कोई उसमें से करीब करीब 50-60 लड़के गायब हैं, और जो नए लड़के हैं वो भर्ती कर लिए, नए वालों को उस लिस्ट में जो लिस्ट बनी है नहीं, इसमें नए वालों को दिखा दिए, और 2014 वालों को फर्जी दिखा दिए सबको, और ड्यूटी के लिए भी 1,000 रुपये हर महीने लिया जाता है। 5 साल हो लिए, 5 साल से ड्यूटी कर रहा, हर महीने 1,000 रुपये देते थे, 500 भी देते, 1,000 रुपये भी देते, अपने दरोगा को भी देते थे और दरोगा जी इनको देते थे। अब ये जो हमारे नरेंद्र को क्या नाम है, दरोगा तो बगरे में कोई था ही नहीं, जो हमारे डीओ साहब है, जो हमारे साथ जो हमारे डीओ साहब है नरेंद्र जी, ये इन्होंने अब ये कह दिया कि सब सारे के सारे फर्जीवाड़े हैं 2014 के। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।